बेलतरोडी पुलिस ने बुधवार को एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के चार लोगों को पकड़ा है। इस गिरोह की खास बात यह है कि इसमें चोरी करने के लिए चोरों को सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा इस गिरोह में 12-12 साल के बच्चे भी शामिल है। गिरोह की जड़ झारखंड से है, जहां बैठकर इसका सरगना इसे ऑपरेट करता है। पकड़े गए आरोपियों में 23 वर्षीय शेख सज्जू रब्बुल जो कि कटिहार का है और 25 वर्षीय सियाज शेख कासिम महाराजपुर झारखंड का रहने वाला है। अन्य दो आरोपी नाबालिग हैं। इन चोरों के पास से 5 मोबाइल सहित करीब 1,01,000 का माल जब्त किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब 19 अक्टूबर को अशोक नगरी महाकाली नगर निवासी वैभव डोंगरे ने बेलतरोडी पुलिस स्टेशन में मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज की थी। बेलतरोडी पुलिस ने जांच शुरू की और शक के आधार पर दो नाबालिगों को पकड़ा गया। गहराई से जांच के बाद पता चला कि ये दोनों सज्जू और शेख सियाज के साथ कलमना में रहते हैं। पुलिस ने दोनों को कलमना से धर दबोचा। सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि इनका गिरोह है जिसे छोटू नामक व्यक्ति जो कि गिरोह का सरगना है इसे झारखंड से ऑपरेट करता है। सज्जू और सियाज ने बताया कि दोनों कलमना, गिट्टी खदान और पहाड़ी जैसे परिसर में 15 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही मोबाइल चोरी में 50% हिस्सेदारी सज्जू की होती है और छोटू ने शेख सियाज को 15,000 की सैलरी पर रखा है। सज्जू ने यह भी बताया कि एक बार एक परिसर में चोरी करने के बाद वहां दोबारा नहीं जाते। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद 22 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया। पोलीस स्टेशन बेलतरोडी हद्दी सोमवारी आठवडी बाजार भरतो बेलतरोडी हद्दीत आम्हाला माहिती मिळाली की तिथे काही लोक मोबाईल चोरी जातात काही लोकांचे, त्याच्यावरून आम्ही तिथे ट्रॅप लावला साध्या वेशातले। त्याच्यावरून बिहार आणि झारखंडचे दोन मेजर आणि दोन मायनर असे चार आरोपी आम्हाला मिळाले। त्यांनी नागपूर शहरात विविध ठिकाणी 5 ठिकाणी मोबाईल चोरी केल्याचे सांगितलेले आहे। त्यातले जे मेजर आरोपी होते म्हणजे वयाने मोठे होते त्यांना PCR घेण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। हे जे आरोपी होते बिहारमधून जे आरोपी इथे आलेले आहेत, हे जे दोन आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत, त्यांना तिथून त्यांचा एक टोळीचा जो सूत्रधार आहे तो तिथून यांना पगारावर ठेवलेलं आहे त्यांना नोकरीसाठी, आणि ते यांना पगार देऊन यांच्याकडून मोबाईलची चोरी करून घेत आहे। त्याच्यामुळे आम्ही त्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे। त्यांना त्यांच्या कामाप्रमाणे 10,000 ते 15,000 असा पगार देण्यात आला। इस गिरोह में 12-12 साल के बच्चे भी शामिल है, जिससे अन्य राज्यों में ऐसे गिरोह के होने की संभावना है। पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ दीपिका धनेश्वर, NBC News नागपुर।